Principle is initiated. It refers to taking the first step with the self motivation. ये हमारा ऐसा पहला step है जिसमें हम self motivation करते हैं. Initiated means हम खुद से self motivated हो रहे हैं. पहला step बढ़ाना. If I am working in any organization, we are giving our best contribution for the progress of that particular organization. It is the thinking out and the executing the plan within the prescribed limit of authority. According to Fayol, workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements. So, manager must welcome the suggestion and idea of the given by the employees. Initiative does not mean disobedience. Once decisions are taken, then everyone must follow it. No one can say that this is not a right decision, this is not a wrong decision. Initiative is this, you must not say anything, no for anything. आप किसी भी चीज के लिए वहां पे मना नहीं करेंगे. इनिशिएटिव का मतलब क्या है? खुद से आप पार्ट ले रहे हैं. फ्योल ये बोलते हैं कि जब कोई भी प्लान पॉलिसी बनाई जा रही है तो मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज से डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस लेने चाहिए. क्या पता कोई एक अच्छा सजेशन आपके पास आ जाए जो आपके माइंड में भी ना हो. जैसा भी सजेशन जो पर्सन दे रहा है उसका हमें वेलकम करना चाहिए. इससे उसके अंदर सेल्फ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट होगी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मेरे आइडियाज को सुना जा रहा है, मेरी आइडियाज को वेलकम किया जा रहा है. दैट इज द पार्ट ऑफ इनिशिएटिव. इसके साथ साथ अब अगर एक तरफ जो हमने आइडिया दिया है वो मैनेजमेंट भले ही अप्लाई नहीं कर रही है, पर एक बार जो मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया उसका डिसओबिडेंस हमें नहीं करना चाहिए. हमें उनके आइडियाज को, उनके डिसीजन का वेलकम करना चाहिए. उन्हें हमारे आइडियाज और डिसीजन का वेलकम करना चाहिए. दैट इज द पार्ट ऑफ इनिशिएटिव. एग्जाम्पल, बिफोर सेटिंग अप द प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडिया गिवन बाय एम्प्लॉयर so to allow their maximum contribution and maximum participation. But once the plan is made, every employee must follow and implement it. They can say no about it. So that's the example. अब in Hindi, जब किसी भी plan को बनाने से पहले अगर हम बहुत सारे employees हैं उनसे हम idea लें, उनसे सजेशन ले जिससे वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड कराए, उन सबका पार्टिसिपेशन हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव. अगर एक बार प्लान बन गया तो हर एम्प्लॉय को उसको फॉलो करना चाहिए और इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, पर उसके लिए नो कभी नहीं कहना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स, डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के अंदर बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट होती है. एम्प्लॉयर टाइम से अपने टारगेट को अचीव करते हैं. अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू शो बेस्ट एबिलिटी. एम्प्लॉय कभी भी अपनी बेस्ट एबिलिटी को शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे आइडिया को कभी वेलकम नहीं किया जा रहा है. नंबर टू, उनके अंदर डिमोटिवेशन क्रिएट होगा.